नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। डेंगू के मरीजों को अब प्लेटलेट्स के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में ही उपलब्ध होंगे प्लेटलेट्स। डेंगू मरीज के प्लेटलेट्स कम होने पर दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अब मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने के लिए दर दर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसको लेकर अस्पताल में ही अब प्लेटलेट्स सेपरेट मशीन उपलब्ध है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये मशीन एस्कॉर्ट कंपनी द्वारा CSR के तहत सरकारी अस्पताल को डोनेट की गई है, जिससे मरीजों का काफ़ी भला होगा, क्योंकि पहले प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए मरीजों को इधर उधर जाना पड़ता था और BK अस्पताल में ये मशीन उपलब्ध नहीं थी। डेंगू के मरीजों को गंभीर अवस्था में आने के बाद जिनमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उन्हें पहले प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, या फिर ऐसी अवस्था में प्लेटलेट्स किसी दूसरे अस्पताल से मंगवानी पड़ती थी और इसी बीच कई बार मरीज की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती थी। इस मशीन की कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई गई है, लेकिन इस मशीन के आने के बाद अब मरीज के लिए प्लेटलेट्स साथ के साथ यहीं पर उपलब्ध रहेगा, जिसके द्वारा हम होल ब्लड से प्लेटलेट को अलग कर सकते हैं और सिंगल डोनर प्लाज्मा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके द्वारा जो डेंगू के पेशेंट हमारे पास इस समय काफ़ी आए थे, उनके अंदर हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हमारे पास इस मशीन की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन हमारे फरीदाबाद में कई सेंटरों के अंदर ये उपलब्ध थी, जिससे हमने प्लाज्मा लेके मरीजों को चढ़ाया। अब ये मशीन हमारे BK अस्पताल में उपलब्ध हो गई है। इसके द्वारा अब हम कोई भी प्लेटलेट कम होने वाला मरीज या डेंगू का मरीज आएगा तो उसमें इस मशीन के द्वारा हम प्लेटलेट सेपरेट कर उन मरीजों को लगा सकेंगे। तो कितना फ़ायदेमंद साबित होगी, जिस तरीके से पहले नहीं थी मशीन और अब मशीन आ गई है, आगे डेंगू का भी मामला जो बढ़ सकता है? ये मशीन बहुत ही यूज़फुल होगी हमारे लिए। इस मशीन को हमें एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने डोनेट करी है। इस मशीन के द्वारा हम जब प्लेटलेट को सेपरेट करेंगे, किसी भी बंदे को जो डेंगू का हो या प्लेटलेट काउंट कम हो, उसके अंदर प्लेटलेट सेपरेट करके यदि 20,000 से कम काउंट होती है तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, और 10,000 से कम काउंट हो तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, या कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही हो तो भी हमें डेंगू के मरीज में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ये मशीन हमें इसमें सहायता करेगी, हमें प्लेटलेट प्रोवाइड करेगी, हम लोगों को चढ़ा सकेंगे, जिससे कि उनको ब्लीडिंग को रोक सकेंगे और जान के नुकसान से हमें मरीजों को। कितनी कीमत है इसके लगभग? ये मशीन लगभग 20 लाख के आसपास है, जो कि स्पोर्ट्स ग्रुप ने हमें डोनेट कर। कह सकते हैं कि मरीजों को कहीं और धक्का नहीं खाना पड़ेगा, जिस तरीके से डेंगू में कई बार लोगों में दहशत से भी बन जाती है? हाँ जी, ये हमें सहायता करेगी और लोगों को जो हमारे मरीज आएंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी, जब हमारे पास डेंगू या लो प्लेटलेट के मरीज आने शुरू हो गए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल अलीगढ़ रोड स्थित किटवाड़ी कॉलोनी में नवविवाहित महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने का आरोप उसके पति, ससुर व सास पर लगा है। विवाहिता की शादी को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विवाहिता का ससुर उस पर गंदी नजर रखता था तथा अश्लील हरकत करता था। विवाहिता के विरोध करने पर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दिया। हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पलवल अलीगढ़ रोड स्थित किटवाड़ी कॉलोनी का है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी दौरान महिला के पति के हाथ में गोली लगी, जिसका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। चांदर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति, सास व ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर विवाहिता के पति, सास और ससुर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला के पति का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने एक घंटे के लिए लाली हमारे गांव भेजी थी, एक घंटे के लिए 7 दिन बाद। तो हम लेने के लिए उस लड़की का फोन गया था, पापा जी आप मुझको लेवा जाओ, मेरी बेटी कोई दिक्कत है या ना है तुम यहाँ पर आ जाओ, तभी बताऊँगी कोई बात। तो साहब मैं लड़की के पास गया था, उससे बोला था मैंने कि क्या बात है बताइए बेटी, एकांत में ले जा करके। तो उसने बोला था ये बुड्ढा है लड़का का पिताजी, वो मुझसे पैर दबाता है और बुरी नज़र से देखता है।
अगर आप ये ऐसी तरह से देखेगा तो मैं इसे भी चप्पल लगाऊंगी। उस लड़की ने बोला था मेरे से, मैं बेटी अपने धर्म को नहीं जाने देना, अपने धर्म को जाने नहीं देना, तू स्वयं उसके चप्पल लगा देना, हमको कोई गम नहीं है। तो वो बोली अब आइंदा ऐसा करेगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगी पापा जी, मुझसे वचन ले ले सा उसने। मैंने बोल दिया ठीक है तुम लगाना। वाले मथुरा क्षेत्र के हैं और वो आर्मी से उसका पिताजी रिटायरमेंट होकर के यहाँ SPO लगा हुआ फरीदाबाद, और उसने कभी 6-7 महीने पहले ही किठवाड़ी गांव के पास एक कॉलोनी में प्लॉट लेकर के अब मकान बना के अभी यही रहता था। तो इस मोहन सिंह के लड़का जो ग्रीटिंग है, इसकी शादी अभी 7 फरवरी 2022 को हुई थी, नौजिल बाजना के पास एक गांव है वहाँ से। तो अभी 20 दिन पहले जो शादी हुई थी इनकी, तो आपसी अनबन थी और इस लड़के ने ही अपनी वाइफ को गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार ली। ये लड़की वालों का कहना है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। प्रथला के गांव हरफले स्थित न्यू दुर्गा कॉलोनी में 2 बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है। दोनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे और शनिवार को गाँव के समीप एक बनी वाले मंदिर के जोहड़ में नहाने के लिए गए थे। मृतक के पिता की माने तो दोनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे और शनिवार को दोनों मंदिर के पास बनी जोहड़ में नहाने के लिए चले गए, उसी दौरान उनकी डूबने से मौत हो गई। बाद में उनको निजी अस्पताल में भी ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की जाँच कर रहे SI कृष्ण कुमार ने बताया कि दोनों बच्चे नहाने के लिए गए थे। यहाँ पर एक धार्मिक मंदिर है, वहाँ पर जोहड़ बनी हुई है, उसी जोहड़ में शनिवार को ये नहाने के लिए गए थे जहाँ पर डूबने के कारण इनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल छुट्टी था, पेपर देने जा रहा था, नहीं छुट्टी था तो क्या हुआ, जो मैं बोला कि बेटा कहीं मत जाइयो, नहा धो के तैयार करके घर में था। अब पता नहीं हमने ड्यूटी जॉब पे जाने लगे तो पता नहीं कैसे न कैसे उधर चला गया, बनी है एक बनी में घूमने उमने चला गया पूजा के नाम पे, पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं पता, भगवान जाने। आपको कैसे पता लगा? हमें कॉलोनी के बंदे बताया करके, एक बच्चे था साथ में, उसने बताया जैसे से बात हो गया, उसी का छोटा भाई था, भागे भागे आया बताया जैसे से कांड हो गया। फिर कॉलोनी के लोग दौड़ के गए तो सब बताया जैसे से बात हुआ है, तब फिर सारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार SI। कहाँ पता ना था? गदपुरी में। क्या हुआ है बच्चों का जो तो मामला आया? इसमें कल ही बच्चे नहाने गए थे, बाबा बने वाला बाबा करीम धाम, वहाँ तालाब था, वहाँ बच्चे नहाते नहाते वो मानो गहरे पानी में चले गए, उसके फिर उसको सर्वोदय मिले गए, सर्वोदय में फट गए दोनों बच्चों को। तो अभी हम BK हॉस्पिटल लाए, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या क्या नाम है बच्चों के? एक का नाम यश है, एक का नाम है प्रिंस है, तो बिहार के रहने वाले हैं, माँ बाप यहीं रहते हैं। तो क्या वहाँ कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे जोड़ पर? चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए कई अहम कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हर एक जिले में महिला थानों के साथ साथ हर थाने में एक महिला डेस्क बनाया है ताकि महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो वहीं हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने एक और पहल करते हुए डायल 112 की सेवा की शुरुआत की है, जिसको लेकर हमारी टीम ने शहर की बजाय फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों स्कूलों में जाकर छात्राओं से महिला हेल्पलाइन नंबर और डायल 112 के बारे में जानकारी ली। आइए आपको भी सुनाते हैं कि क्या कहती है स्कूल की छात्राएं, क्या कभी महिला हेल्पलाइन नंबर या डायल 112 को लेकर फरीदाबाद प्रशासन की ओर से जानकारी मिली है या नहीं। 1091 एक ऐसी हेल्पलाइन है जिससे हमें हेल्प मिलती है, मतलब जैसे हम किसी भी परिस्थिति में है और हमें हेल्प की जरूरत है तो हम उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें तुरंत ही इसकी सुविधा मिलेगी। 112 एक ऐसी सुविधा है जिसमें किसी भी महिला पुरुष लेडीज कोई भी हो, उसमें हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जिससे हम बहुत परेशान हो, उसे हम डायल करके अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी तुरंत हेल्प करेंगे। इसके बारे में जानकारी की बात, स्पेशली लड़कियों के लिए और कुछ मतलब कि जो ये प्यूपल्स वगैरह कुछ काम करते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है लड़कियों के साथ, तो हम पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं 112 नंबर पे, तो ये 10-5 मिनट्स के अंदर अंदर आ सकती है, हमारी हेल्प कर सकती है। और कुछ और भी वगैरह जैसे इस घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो फाइट वगैरह हो जाती है, तो हम फ़ोन कर सकते हैं और पुलिस हमें 10-15 मिनट में मिल सकती है, तो इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ये सॉल्व कर देती है। जानकारी कैसे मिली आपको? सर हमें जानकारी कुछ टीचर्स ने दी थी और हमारे घर वालों ने भी बताया और कुछ इंटरनेट्स वगैरह होते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है जो अगर किसी लड़की के साथ या किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम उसे डायल करके उसे बुला सकते हैं हमें उनके हेल्प के लिए। और 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी के साथ भी छोटे बड़े या किसी के साथ भी कुछ गलत हो तो हम उसे डायल करके उन्हें बुला सकते हैं। इतनी सारी जानकारी आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली, किसने आपको ये जानकारी मुहैया कराई, क्या इसके बारे में बताएंगे? हम जब 8th क्लास में थे तब बताई थी, अब उनका ट्रांसफर हो चुका है। टीचर ने बताया? हाँ जी। चलिए अभी बात करेंगे पलवल की। पलवल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र के स्वदेश लौटने के बाद गांव खामी में खुशी का माहौल है। रूस के साथ युद्ध प्रारंभ होने के बाद अन्य भारतीय बच्चों के साथ जीवन पर बनाई थी और 4 मार्च को स्वदेश लौटने के बाद छात्र टेकचंद से हुई बातचीत में बताया सबसे ज्यादा परेशानी पोलैंड बॉर्डर पे छात्रों को हुई है। पलवल के गांव खामी पहुंचे छात्र टेकचंद ने बताया कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी की पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद उन्हें भारतीय MNC से सूचना मिली कि जल्द से जल्द उन्हें यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने अपनी नजदीकी बॉर्डर पोलैंड के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने बताया कि जैसे तैसे करके वह पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे थे लेकिन वहां से बॉर्डर को पार नहीं करने दिया गया, जहां पर 3 डिग्री तक टेम्परेचर था। पोलैंड के बॉर्डर पर उन्हें पीने के लिए पानी तक भी नहीं मिला और ऐसे में एक तरफ भूख प्यास और दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड में उन्हें अपना जीवन बचाने के लिए वापस उसी शहर में जाना पड़ा जहां पर वो हॉस्टल में रह रहे थे। बाद में भारत सरकार की मदद से छात्रों को स्वदेश लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे लेकर वो भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। अपने गाँव खामी पहुँचने पर छात्र वेद ने खुशी जताई तो वहीं परिवार एवं ग्रामीणों ने भी फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। जी, एक्टिव सिचुएशन ऑफ वार, जब हम वार स्टार्ट हुआ तो हम सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स पैनिक होने लगे, बोलने लगे यहाँ से सारे स्टूडेंट निकलो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। स्टूडेंट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वहाँ से पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले। जब हम पोलैंड बॉर्डर पहुँचे तो हमने वहाँ जाके देखा तो इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली बॉयज़ को अलाउ नहीं कर पा रहे थे और इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर जंप करके जाने लगे, बट दे आर बीटिंग हिम, उन्हें पीटा जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। एंड वहाँ पे इतना ठंड था कि बच्चों को ना तो कोई अकोमोडेशन दे पा रहे थे, ना ही कोई मतलब रहने का शेल्टर वगैरह की कोई उपलब्ध नहीं था। उसके बाद बच्चे जब वहाँ पता चला कि उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटने लगे। वहाँ हम पोलैंड बॉर्डर पे जब हम 30 किलोमीटर पहले इतना ट्रैफिक था कि 30 किलोमीटर पैदल हम चल के गए, वहाँ पे सारे बच्चे इतने परेशान थे कि सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। वहाँ से पोलैंड बॉर्डर से हम लौटने के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आए, एक दिन वहाँ पे रुके। एंड वहाँ पे रुकने के बाद इतना वॉर का सिचुएशन इतना ख़राब होता गया कि वहाँ से स्टूडेंट्स द्वारा निकलने लगे, कोई स्टूडेंट्स रोमानिया बॉर्डर जा रहा है, कोई हंगरी बॉर्डर जा रहा है, कोई स्लोवाकिया बॉर्डर जा रहा है। एट दी लास्ट मोमेंट अवर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड कि उन्होंने कहा कि हम सारे स्टूडेंट्स को बसों में एक साथ लेके हंगरी बॉर्डर के लिए निकलेंगे। वैन जब हम हंगरी बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि जाके बसों में बसें वहाँ पे गई हुई थी, इतनी लंबी कतारें लगी हुई थी। वहाँ पे हमने 2 दिन वेट किया एंड वेट करने के बाद एट लास्ट मोमेंट हम हंगरी बॉर्डर में एंट्री की। वहाँ खबर 24 में आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए खबर 24। नमस्कार।